पांच मिनट में फ्री हो जाऊंगा मैं। स्कूल में लर्निंग कार्निवल बनाया गया जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह मतलब दिखाए गए, और इनमें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था वो था कृषि का कर्मवीरा, इसके अंदर जो कृषि का काम होता है वो कैसे होता है, और ग्लोबल वार्मिंग, वाटर स्कार्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, साइंस के प्रोजेक्ट से डीएनए को बताया गया, डीएनए कैसे वर्क करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम था और बहुत कुछ था। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया जिसके अंदर बच्चों ने बताया कि पेरेंट्स कैसे आजकल बिजी रहते हैं और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और उनको टाइम दे पाए, इसलिए उन्होंने बच्चों ने डांस किया, और गिद्दा जो पंजाबी जो नृत्य वो फोक डांस है वो दिखाया गया, और पेरेंट्स ने भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए कि कैसे और होना चाहिए, और बहुत अच्छा लगा। लर्निंग कार्निवल था ये, और इसमें सभी सब्जेक्ट्स ने कॉन्ट्री किया था, सभी सब्जेक्ट के मॉडल डिस्प्ले किए गए थे, कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस भी थी जिनके माध्यम से बच्चों ने ये बताया कि हमने सीखा क्या, एक लर्निंग प्रोसेस क्या था, और इस एक्टिविटी से बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और इस बीट्स इन एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, और बीट्स में इस तरह की एक्टिविटी हम करते रहते हैं ताकि बच्चों को जो लर्निंग मेथड है वो प्ले वे मेथड से आए, चाहे वो बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, अगर वो प्रैक्टिकल करते हैं तो उन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और वो अपनी लाइफ में उनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चे खुश थे। और एक नुक्कड़ नाटक दिया गया था जिसमें बच्चे ये समझा रहे थे कि टाइम ज़्यादा प्रीशियस है, पेरेंट्स का जो टाइम है वो उनको मिले, ना कि फ़ोन के मिसयूज़, जैसे पेरेंट्स फ़ोन यूज़ करते हैं वो उसका मिसयूज़ करते हैं और बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर मैसेज ये था कि फ़ोन और गैजेट्स को छोड़कर बच्चों पर ध्यान दिया जाए। तो मुझे परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी लगी, जो हमारे गेस्ट आए हुए थे ज्योति वधमा मैम थी, सुरेंद्र सर थे। आपका क्या नाम है और आज आपके स्कूल बीट स्कूल में आज जो कार्यक्रम किया गया था उसके बारे में मेरे को विस्तार से जानकारी दें। Sir, my name is Apurva. Today our school celebrated learning carnival. So there were our students made various projects to give messages regarding them. There were some live performances too. One was regarding Nukkad Natak, that it gave a message to parents that was a very like attractive message. Precious time regarding this. For giving precious time to their child, the award. Moreover, there were very theme-based projects. Like water scarcity. Water scarcity, rainwater harvesting. And there were some also, like, they contain very important messages. So that was it.